नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है एआरओ मुजफ्फरपुर के आर्मी रिक्रूटमेंट रैली 2021 से। अब दर्शकों को जानकारी होगी कि एआरओ मुजफ्फरपुर के अंतर्गत चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में रैली हुई थी, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है फिजिकल जाँच की प्रक्रिया में। साथ में अभी एग्ज़ाम होना है सीईई का, जो अभी बाकी है, जो मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत होना है। और इसको लेकर पहले भी आपने देखा है चौपाल में कि यहाँ पर एडमिट कार्ड का वितरण किया गया है। साथ ही साथ जो सारी जानकारी लगातार आपको दी जा रही है कि पहले बार एडमिट कार्ड वितरण करना था, और उन सब बातों को लेकर अभी एग्ज़ाम 25 जुलाई 2021 को लंगट सिंह महाविद्यालय जो मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पर एग्ज़ाम की पूरी तैयारी चल रही थी। लेकिन एक खबर जो अभी चल रही है आ गई है कि आप दर्शकों को थोड़ी निराशा होगी, मैं बता दूँ, लेकिन ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यही खबर है कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। 25 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और इसकी जानकारी जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के माध्यम से आई है चौपाल समाचार को। तो मैं ये भी कहूँगा कि ये ऑथेंटिक जानकारी है, इसमें कहीं से भी कोई संशय नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा अभी एग्ज़ाम। और इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत जो कॉल कर रहे हैं, संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो मैं बना रहा हूं, ये परफेक्ट ऑथेंटिक और जानकारी से इसे युक्त है। आपको एग्ज़ाम नहीं होना है, जो जानकारी अभी मुजफ्फरपुर एआरओ जो के माध्यम से जिला प्रशासन को आई थी, और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर ने चौपाल समाचार में जो सूचना दी है, उसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा। ऐसे में आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूँ कि जो जानकारी आपके सामने हमारे सामने आई है वो ये है कि 25 जुलाई 2021 को होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया है। यह मुजफ्फरपुर के जो एआरओ के अंतर्गत है, मुजफ्फरपुर एआरओ से यह सूचना निकली है, और यह सूचना आई है जिला प्रशासन को। इसमें लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि लंगट सिंह कॉलेज में 25 जुलाई 2021 को होने वाली कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कोविड-19 के कारण स्थगित कर दी गई है। कोई भी अभ्यर्थी लंगट सिंह कॉलेज में 25 जुलाई 2021 को नहीं जाएगा। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगली तारीख बाद में सूचित कर दी जाएगी। तो आपको ये जानकारी मैं जो अभी बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, जो 25 जुलाई को नहीं होगी। तो इसको लेकर जो और प्रक्रिया जो आप जिसमें लगे होंगे, जिसमें कि कोविड-19 की जाँच है या और सारी जो बातें हैं, इसको अभी नहीं करवाने की ज़रूरत है, खासकर इस एग्ज़ाम को लेकर। अगर व्यक्तिगत आपको जो कर रहे हैं, अगर कोई जांच करवाना चाहते हैं वो करवाएं, लेकिन यहां पर इसकी ज़रूरत अभी नहीं, आप एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसकी तारीख आगे ज़रूर आएगी, और इसको लेकर चिंता भी करने की बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आगे ज़रूर फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं ये जानकारी लेने के लिए कि क्या एग्ज़ाम होना है क्या नहीं होना है। और साथ ही साथ यहाँ दूर दूर से लोग, 8 जिला के ऐसे जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो उन जिलों के अभ्यर्थियों को भी ये जानकारी मिल जानी चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को अविलंब अपने पास पहुँचते ही आप इस वीडियो को दूसरे को फॉरवर्ड भी कर दें कि एग्ज़ाम नहीं होना है। तो ये बात मैं आपको बता दूँ, और मैं बता रहा हूं ये परफेक्ट है। जानकारी अभी तक जो है वो यही है, 25 जुलाई जो जुलाई को एग्ज़ाम होना था एसीई का, वो नहीं होना है मुजफ्फरपुर एआरओ में। आगे जैसी भी सूचना आएगी वो आपको सूचित किया जाएगा। तो आज के लिए जो जानकारी है वो इतनी ही है कि 25 जुलाई को होने वाला एग्ज़ाम नहीं होगा। कोई भी आगे की प्रक्रिया की जानकारी आगे आएगी उसके हिसाब से करना है। अभी किसी भी इधर उधर के लोगों, खासकर विशेषकर दलाल ठग लोगों से संपर्क ना साधें, संपर्क में ना रहें, बचाव करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बरगलाकर फुसलाकर, और हो सकता है आपको कि आपके आर्थिक और आपके शोषण कर सकते हैं। तो इसको लेकर बचाव रखें। भारतीय सेना में बहाली की प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी होती है। इसमें योग्यता ही आपके चयन का आधार होता है, इसमें कहीं से कोई संशय की बात नहीं है। पहले भी आपने देखा है, इस बार एग्ज़ाम में थोड़ी देरी हो रही है, और कारण है वैश्विक महामारी कोरोना। तो इसको लेकर हम लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोग सही से रहें, और ये कहते हैं कि जान है तो जहान है, फिर आगे की बात आगे बताई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।